हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। बोल रहा है संख्या का 60%। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% का 60% कितना हो जाएगा हम लोग का, 60%। 100 का 60% 60% ही होगा। अब इसमें से बोला 60 घटाने पर, ये परसेंट में मान हम लोग का है तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या यहाँ हो सकता है ये हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन घटाने के लिए एक्यूरेट बोल रहा है कि 60 घटाना है, यानी इस 60 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 60% में से 60 को घटाने पर, तो 60 को घटाने पर क्या आता है इक्वल में, परिणाम 60 आता है, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, 60। अब बोल रहा है तो संख्या क्या है, संख्या क्या है का मतलब 100% का मान निकालना है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब हुआ वो संख्या जितना भी होगा उस पूरे संख्या को, जैसे कोई संख्या 5 है और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो ये 5 भी अपने आप में 100% ही है। कोई संख्या यदि 10 है और 10 के अलावा इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो इस 10 पूरे 10 को हम लोग प्रतिशत में 100% बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि हम लोग को 100% का मान ज्ञात करना है। जो 100% का मान आएगा वही हम लोग का संख्या होगा। अब 100% का मान निकलेगा कैसे, तो हम लोग का हुआ 60% माइनस 60 इज इक्वल टू 60। अब यदि इस 60 को यहां से हटा दें तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो प्लस से हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस में, और यहां हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा, 60 और 60 को जोड़ेंगे हो जाएगा 120। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60% इज इक्वल टू कितना हो गया, 120। तो 60% का मान हो गया 120। तो 1% का मान कितना होगा, तो 60 एकम 60, 60 दूना 120। अब ये हो गया 1%। हम लोग को निकालना क्या है, 100% का मान। अब 1 को 100 बनाने के लिए यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। जब हम लोग इस साइड में 100 से गुना किए हैं तो बराबर के दूसरे साइड में भी हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 100% बराबर में 100 में 2 से, तो हो जाएगा 200। यानी 100% का मान कितना आ गया, 200। तो हम लोग बोल सकते हैं कि संख्या कितना है, 200, क्योंकि संख्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% और 100% का मान आया है 200। तो संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी बड़ी संख्या क्या है यही हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x। अब क्योंकि जब भी हम लोग अंतर निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं तब अंतर आता है। तो बड़ी संख्या x, इसमें से घटाएंगे किसको, छोटी संख्या को। और बोल रहा है कि छोटी संख्या कितना है आपका, 20 है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दिए तो ये हो गया हम लोग का अंतर। अब बोला जो अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा, अंतर बड़ी संख्या का 20% है, बड़ा संख्या है कौन हम लोग का, x, यानी x का 20%। 20% का मतलब 20/100, तो ये हो जाएगा 20/100, ये 20 एकम 20। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू हो गया x इंटू 1/5। अब यदि इसको हम लोग हल करेंगे तो x यही रहेगा, और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/5। तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो यहाँ प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस में x बाई फाइव इज इक्वल टू, ये 20 कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में, अब बराबर के दूसरे साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 4x बाई 5 इक्वल टू 20, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 4 पच्चे 20। अब x का मान निकालना है तो x के साथ ये 5 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कहाँ हो जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा इंटू में, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 25। तो बड़ी संख्या का मान कितना आ गया, 25। लेकिन ये हो गया हम लोग का बेसिक नियम, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, इसको सही तरह से बनाने का तरीका है कि सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग ये परसेंट किसका दे रहा है, प्रतिशत किसका है, बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का 20%, यानी प्रतिशत जो दे रहा है वो बड़ी संख्या का, और 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पच्चे 100, क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का, तो जिसका बोलेगा प्रतिशत वो हम लोग का नीचे वाला संख्या होता है, यानी ये 5 क्या हुआ, 5 हो गया बड़ी संख्या, और निकल क्या रहा था, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो नीचे वाला हम लोग का क्या हुआ, बड़ी संख्या, और बोल रहा था दो संख्याओं का अंतर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, यही है दो संख्याओं का अंतर, यानी जिसके साथ जिसका प्रतिशत होगा वो बड़ा संख्या हो जाएगा, तो किसका प्रतिशत है, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का 20%, तो यदि इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, जिसके साथ का लगा रहेगा, तो बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5, क्या निकल रहा था, 20% क्या है, दो संख्याओं का अंतर है, तो अंतर हो गया 1, तो बड़ी अंतर और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना आया हम लोग का, बड़ी संख्या 5, दोनों का अंतर कितना, 1। अब अंतर 1 है, बड़ा संख्या 5 है, यानी 5 में से 1 को घटाने पर जो 4 आया ये छोटी संख्या आ गया हम लोग का, अब छोटी संख्या हम लोग का आया 4, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या 20 है, तो कह सकते हैं 4 का मान 20, तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 1 का मान कितना आ गया, 5, निकालना क्या था, बड़ी संख्या, तो 1 का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 25, ये हम लोग का आ गया बड़ी संख्या, यानी ये हो गया हम लोग का बेसिक नियम, और ये ट्रिक से बनेगा, ये हो गया हम लोग का ट्रिक। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50% है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की जिसके साथ लगा हुआ है की, यानी दो संख्याओं का तुलना किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या की 20% 50% है, तो मान लिया कि तीसरी संख्या 100, अब 100 क्यों माने, क्योंकि 20% का मतलब 100 में 20, 50% का मतलब 100 में 50, अब यदि ये 100 है तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो पहला संख्या क्या है, 20% है, किसका, तीसरा का, यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 50% है, किसका, तीसरी संख्या की, यानी 100 का 50% 50, क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें,
दोनों संख्या मतलब दो संख्या फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इसका अनुपात क्या होगा, इसके अनुपात के लिए इसको अनुपात में बदलेंगे, अनुपात काटेंगे, जीरो से जीरो गया, अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, दो अनुपात पांच का अनुपात। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दो अनुपात पांच। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले जैसे हम लोग पीछे किए थे पिछले प्रश्न में वैसे ही करेंगे, उसके बाद निकालेंगे कौन किसका कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, क्या बोला, तीसरी संख्या की, यानी जिससे तुलना करना है सबसे पहले उसको निकालेंगे हम लोग। तो मान लिया कि तीसरी संख्या 100, तो बचा कौन, पहला और दूसरा, तो पहला संख्या क्या है, तीसरा का 20%, तीसरा का 20%, क्योंकि बोला दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, तीसरी संख्या की 20% 50% है, यानी ये हो गया हम लोग का पहला संख्या और ये हो गया हम लोग का दूसरा संख्या। तो पहला हो गया 100 का 20% 20 और दूसरा 100 का 50% 50। क्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अब प्रतिशत में बदलना हम लोग को, प्रतिशत में। तो सबसे पहले देखेंगे तुलना किससे किया जा रहा, पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, बटा भाग किससे देंगे, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किससे तुलना करना है, दूसरी संख्या से। अब जिससे तुलना करने के लिए बोल रहा है उससे हम लोग भाग देंगे, तो दूसरी संख्या से, और दूसरा संख्या कितना आया 50, तो 50 नीचे लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना है इसलिए इंटू 100, 50 दुना 100 तो 20 दुना 40, कितना प्रतिशत हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 40%। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या है। क्या बोला, किसी संख्या का 45%, यानी लिख सकते हैं 45% का 15%, किसी संख्या, कोई भी संख्या होगा उसका 45% का 15% का 15% कितना है, 105.3 है, तो 24% का मान क्या होगा। अब 24% का मान क्या होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, 1% को हम लोग छोड़ देंगे, नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि परसेंट का मान निकालना है, और इसको 24 में कन्वर्ट करने का यानी बदलने का कोशिश करेंगे। तो 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3% × 15 होता है, 45% को लिख सकते हैं 3 × 15, और इस 15 को लिख सकते हैं हम लोग 15% को 15/100 इज इक्वल टू 105.3। अब तीन यहां इसलिए अलग किया गया क्योंकि निकालना हम लोग को क्या, 24% का मान, तो 3 में 8 से गुना कर देंगे, ये 24 हो जाएगा, इसलिए 3 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी सबको यहां से हटाने का कोशिश करेंगे। अब जब 3 को यहां छोड़ना है, 3 को यहां छोड़ेंगे तो इसको यहां से हटाना होगा, अब ये इसके साथ क्या है, गुना में है, तो यहां आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 15 × 15 यहां गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, और ये 100 क्या है, नीचे है तो चला जाएगा यहां ऊपर, ये पूरा का पूरा गया। या फिर ऐसे बोले कि जब ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो अंक उलट जाएगा, यहां पूरा गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो 3 का मान हम लोग का निकलेगा, 3% का मान आएगा, जो आएगा 3% का मान। अब कितना आएगा,
तो सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करेंगे और इसके लिए जीरो बैठाएंगे, एक के बाद जीरो बैठेगा। अब जीरो से जीरो गया, पांच से काटेंगे, पांच तीया 15, पांच दूना 10, तीन से यहां काटेंगे हम लोग, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, तीन पांचे 15, तीन एकम 3, फिर इसको काटेंगे, पांच तिया 15, पांच से तीन बार में, तो तीन से इसको काटेंगे, तीन एकम तीन, 17 तिया 51, ऊपर कितना आ गया हम लोग का, 117 गुना 2, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7 दूना 14 के चार हाथ में 1, 11 दूना 22 1, 23 बटा में 5, 3% का मान हो गया हम लोग का 234 बटा 5, निकालना क्या है 24% का मान। तो 3 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 8 से गुना करेंगे। अब चूंकि यहां 8 से गुना किए हैं तो इधर भी 8 से हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा, तो ये हो गया 24%। अब जो आएगा हम लोग का फाइनल आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2, 3 3 8 24, 24 3 27 के 7 2, 2 8 16, 17 18 बटा में 5, 5 से भाग देंगे, 5 3 15 3 18, 5 7 35, बच गया कितना हम लोग का, यहां 2 पंचोक 20, पंचोक 20, यानी 24% का मान कितना आ गया, 374.4 हम लोग का ये आंसर होगा। 24% का मान कितना है, 374.4।